नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने आज भोर में करीब 3:30 पर मुठभेड़ के दौरान थाना कोतवाली क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी हुआ हिस्ट्री सीटर सुजीत सिंह और भकोले को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में कुल 47 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त के पास से अवैध असलाह व कारतूस बरामद हुआ है। आज 19 अगस्त को भोर में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजकुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ चेकिंग करते हुए हाफिजपुर चौराहे पर पहुंचे, जहां पर पहले से ही प्रभारी चौकी बलरामपुर उप निरीक्षक संजय तिवारी व प्रभारी स्वाट टीम उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ल अपने हमराहियों के साथ मौजूद थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम उकरौड़ा का रहने वाला टॉप 10 अपराधी सुजीत सिंह उर्फ भकोले पुत्र श्री भगवान सिंह, जो कि किसी अपराध को अंजाम देने हेतु करतालपुर चौराहे की तरफ से आजमगढ़ शहर की तरफ अवैध असलाह के साथ आ रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी चौकी बलरामपुर, चौकी प्रभारी पहाड़पुर व स्वाट टीम के साथ बाग लखराव पुल के पहले पहुंचकर घेराबंदी करके बदमाश का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद करतालपुर की तरफ से बाग लखराव पुल की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। वह मोटरसाइकिल सवार गाड़ी मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। हड़बड़ाहट में मोटरसाइकिल फिसलने से वह गिर गया। पुलिस ने अपने को घिरा हुआ देख उक्त मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस या कार्यवाही में उसके पैर में गोली लग गई। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम सुजीत सिंह और भकोले पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ बताया। तलाशी के दौरान बदमाश के पास से 700 रुपया नकद, एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुई। पुलिस ने अभियुक्त की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अभियुक्त ने बताया कि उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे की पैरवी में काफ़ी पैसा खर्च होता है। पैसे की व्यवस्था के लिए ही किसी लूट की घटना को अंजाम देने जा रहा था। अभियुक्त के ऊपर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गंभीर मामलों में कुल 47 मामले दर्ज हैं। घटना को अंजाम देने जा रहे टॉप 10 के अपराधी व हिस्ट्री शीटर बदमाश सुजीत सिंह उर्फ भकोले की गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ के उपरांत की गई है। ये अपराधी उकरौड़ा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है व इसके ऊपर 47 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। पुलिस को सुबह 3:30 यह सूचना मिली कि एक अपराधी उकरौड़ा की दिशा से हाफिजपुर की तरफ निकलेगा व इसके पास असलाह है। इस सूचना पर पुलिस की 2 टीमें गठित करी गई व हाफिजपुर के पास इसकी घेराबंदी करी गई। एक मोटरसाइकिल सवार आता नजर आया जिसे रुकने का इशारा किया गया, परंतु उसके द्वारा रुकने की बजाय अपनी मोटरसाइकिल भगाना उसने प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने उसका पीछा किया, आगे जाकर वह स्लिप हुआ और पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात व कंट्रोल फायरिंग करी जिसमें इस बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी है। इस बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। शीघ्र ही इसे न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है व उनके विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।